हे गाइस वेलकम टू माय अनदर वीडियो एंड आज का जो ट्यूटोरियल है सो है गाइस सेट फ्लिप। सेट फ्लिप गाइस आज मैं खुद नहीं सिखा रहा, मतलब एक मेरा फ्रेंड है उसका फेवरेट मूव है, ठीक है, तो वो सिखाने वाला है। सो है गाइस ओके ओके कमिंग सेट फ्लिप। हे गाइस माय नेम इज ओके, मैं इसका दोस्त हूं जो आपको सेट फ्लिप आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस साइड फ्लिप के लिए आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आपको सबसे पहले एक बेसिक साइड होगी, तो इससे आपकी बॉडी का मतलब पलटने की आदत पड़ जाएगी, इससे आपको साइड फ्लिप बहुत ज़्यादा इजी पड़ने वाली है। तो वो कुछ इस तरह से है, ठीक है ओके। अब इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करते हैं, साइड रोल के साथ साथ आपको उसको थोड़ा लॉक करने की कोशिश करनी है और जिस पैर जो पैर आपका फ्रंट में रहने वाला है उसको थोड़ा सा जंप लेने की कोशिश करनी है ओके, जिससे आपको साइड फ्लिप में जंप के बाद लॉक करने की थोड़ी आदत पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा इससे आपके साइड फ्लिप। तो वो इस तरह से कुछ जिससे मतलब बहुत काम की चीज़ है ये। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इसको डेली प्रैक्टिस करोगे आपकी साइड फ्लिप बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगी। ये इसलिए मैंने आपको प्रेफर किया हूँ क्योंकि कई लोगों की साइड फ्लिप मैंने देखा, ऑब्जर्व किया हूँ, जो साइड फ्लिप ये उठाते हैं इससे उनकी साइड फ्लिप नहीं दिखती, वो बेसिकली फ्रंट फ्लिप हो गई। सो साइड फ्लिप अगर आपको करना है तो एक हिसाब से साइड रोल ही मारना है, बस उसको जंप के साथ मारना है और थोड़ा सा अच्छे से टक करके, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टेप्स। तो देखा मैंने बहुत बार कि लोग जब जंप लेके आते हैं तो यहाँ से साइड फ्लिप उठाते हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है, साइड फ्लिप यहाँ से उठाई जाती है। मतलब जो अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए ये वाला मोमेंट लाना बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ेगा, मुझे पता है क्योंकि मेरे को भी हार्ड पड़ा था। तो उसके लिए एक टेक्निक है, अगर आप जाते हो रनअप लेके गए, पहला पैर पहले ही साइड में ले लो, ऑब्वियस है कि सेकंड पैर आना ही है साइड में, इससे आपको इजी पड़ेगा साइड फ्लिप उठाने में, वो परफेक्ट साइड फ्लिप दिखती थी। जैसे कि ये एक पैर गया सामने, दूसरा पैर अपने आप सामने आना ही है, आपकी बॉडी अपने आप टेढ़ी होनी है। तो बनिया साइड फ्लिप के लिए मूवमेंट, इसके लिए मैं आपको इसकी दो टेक्निक्स है साइड फ्लिप मारने के लिए, जो है सिंगल लेग और डबल लेग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंगल लेग साइड बहुत ज़्यादा ईजी है, बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी पड़ेगी और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए तो डबल बहुत ही ईजी पड़ेगी। तो सिंगल लेग के लिए बस ये यहाँ से जंप करो, जंप करने के बाद हाथों को अंदर की तरफ घुमा के टक्कर लेगा, इस पैर से जंप, इस हाथ से टक, कुछ वो इस तरह से दिखेगा जैसे ये गए ये ओके। अगर आप ये आदत लगाने में मुश्किल जा रही तो बस ये करो, मच्छर पकड़ो जेब में डालो, इससे क्या होगा आपको टक करना पड़ेगा, तो टक करना भी आपके ऊपर है। ऊपर जाने के बाद अगर आप ये टक करते हो इजी पड़ेगा बोलना, बट मेरे हिसाब से थोड़ा हार्ड है। उसके बाद में ये टक है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप बिगिनर्स हो तो आप ये टक करो, क्योंकि इसमें पैर थोड़े से खुले रहते हैं और आपकी लैंडिंग बहुत ज़्यादा जल्दी होने की संभावना है, क्योंकि मैं खुद ही वो टक करता हूँ क्योंकि मेरे को ईजी पड़ती है। सो अगर आप ये वाला टक करते हैं, आपने देखा होगा मेरी साइड से बहुत ज़्यादा खुली खुली दिखती है, वो इसी की वजह से दिखती है क्योंकि मेरे को जल्दी लैंडिंग करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं पैर ये टक करता हूँ, इसकी वजह से आपकी साइड जल्दी लैंड हो जाती है और आपको साइड फ्लिप में लैंडिंग मतलब कोई टेंशन ही नहीं रहेगा साइड फ्लिप का। सो उसके बाद में ये गया टक किया, यहाँ पे टक कीजिए, बस बॉडी को हाथ को रोटेट करना मत भूलना, इससे आपकी बॉडी को रोटेशन मोमेंटम मिलेगा और आपकी साइड फ्लिप लैंडिंग होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो एक लास्ट ट्राई करते हैं, आपके ऊपर आप रनर कितना लंबा लेते हो, अगर आप लंबे रनर से करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी साइड फ्लिप आएगी, अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई टेंशन नहीं है। तो थैंक यू गाइस, आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। सो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सपोर्ट करें मेरे ब्रो को। धन्यवाद। सो गाइस आई होप गाइस वीडियो आपका पसंद आया होगा एंड इसका एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।